खाने के पापा हलवा बना रहे हैं। हमारा हलवा तैयार हो चुका है। मैं बाजार जाके मैं सारा सामान लाके दे दिया मैंने मामा को। सारा अगरबत्ती वगैरह अगरबत्ती भी जला दी मैंने खुशबू के लिए। और आज का मेरा सूट ये है, आज मैं सूट ये वाला पहनूंगा। अभी मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया। लाइट भी हमारी आ चुकी है, घर की सफाई हो चुकी है, बहुत हो रही है। अब ना जैसे रोज़ा लग रहा है, मैं बाजार जाके आया हूँ ना तो बहुत रोज़ा लग रहा है। यहाँ पे हमने वो लग दिया है हलवा, हमारे पापा सुबह हलवा बना के चले गए थे। मम्मा ने मैं बोला था मम्मा आप व्लॉग बना लेना, तो मम्मा ने वीडियो बना ली थी। तो अभी मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद।
हमारा दस्तरखान सज चुका है, जैसे कि हमारे दस्तरखान में आलू और बेसन के पर लोग आलू और बेसन के पकोड़े और चटनियाँ और फुल्कियाँ और आलू आलू के साथ प्याज और हमारे पापा ने जो हलवा बनाया वो, और ये पारस भाभी कहाँ से आया है और ये पापड़, लाइट गई भी है जब ये ब्लॉग सही से नहीं बन पा रहा है, और ये जूस हमारे खाने में कोरबा बना है। अभी हम चलते हैं ऊपर, ऊपर ना शबरात है ना, तो उसकी वजह से ना मदरसे का भी गेट खुल जाता है क्योंकि लोग कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं ना, और पीछे जो वाली मस्जिद है ना वहाँ का वहाँ से रास्ता है ना, तो वहाँ पे इतने फेस्टिवल लगते हैं, इतना रश हो रहा होता है कब्रिस्तान के पास, वो मौत नहीं दिखा सकते, यहाँ पे मदरसे का दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे इतनी चहल पहल हो रही है रात के 12 बजे भी, वहाँ पे सब बाइकें उतारते हैं और वहाँ वो रहा गेट, वहाँ से सब इंटर होते हैं, यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे सारे वो लगे हुए हैं जैसे ठेले वेले देखे हुए, वहाँ से रास्ता है कब्रिस्तान का। लोग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।